एशेज सीरीज में जीत का नशा हो या हार का गम, इंग्लिश टीम के खिलाड़ियों की हरकतें हर बार कोई ना कोई नया बवाल खड़ा कर देती हैं। पब के बाहर पेशाब करने के आरोप में जुर्माना झेल चुके मोंटी पनेसर एक बार फिर बदनामी के घेरे में आ चुके हैं। इंग्लिश मीडिया में छपी रिपोर्टों के मुताबिक पनेसर ने एक अमेरिकन लड़की को होटल में मिलने का ऑफर दिया था। एशेज सीरीज का चौथा मैच गंवाने के घंटे भर बाद ही पनेसर हार को भूलकर अपने लिए लड़की ढूंढने में लग गए। इसके लिए उन्होंने सहारा लिया मोबाइल डेटिंग एप्लीकेशन टिंडर का। पनेसर ने चैटिंग के दौरान एलिसन नाम की अमेरिकन लड़की से बात की। हमें होटल के अपार्टमेंट में मिलना पड़ेगा क्योंकि टीम मैनेजमेंट से इसके लिए बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। मैं अमेरिकी लड़कियों को पसंद करता हूं। 20 साल की एलिसन चैटिंग के दौरान पनेसर से क्रिकेट के बारे में जानने की इच्छा जताती रही, लेकिन पनेसर अपने दिमाग में डर्टी पिक्चर का खाका तैयार करते रहे। क्रिकेट के बारे में जानना चाहती थी लेकिन उसका मेरी इन बातों से कोई ध्यान नहीं था। ऐसा लग रहा था बस वो मुझे होटल में बुलाना चाहता था। मैं हैरान थी इसलिए मैंने उसे मैसेज किया। मैं जानना चाहती थी कि क्या वाकई ये वही है, लेकिन सच्चाई जानकर मैं चौंक गई। एक और इंग्लिश टीम के कोच लगातार चौथे टेस्ट में मिली शर्मनाक हार पर खिलाड़ियों से सफाई मांग रहे थे, तो दूसरी ओर पनेसर का दिमाग चैटिंग के जरिए शाम रंगीन करने की प्लानिंग कर रहा था। शर्मनाक हरकत ने एक बार फिर इंग्लिश क्रिकेट पर बदनामी का ठप्पा लगा दिया।